लाइव में आके नरेशन सेट कर देते थे कि तू बीच में घुसती थी या कुछ भी है. मैंने बस हमेशा उसका ही जवाब दिया है. मेरे को कोई दिक्कत नहीं कि मैं तुम्हें आके पंगे लूँ या कुछ तुम्हारे लिए बोलूँ. मेरे को कोई लेना देना नहीं है. मैं शो के बाद ना मेरी बात होती है किसी से ना कुछ है. मैं अपने काम से काम रख रही हूँ, तुम अपने काम से. मतलब ठीक है यार, तुम्हें भी गालियाँ, सबको गालियाँ पड़ती है. इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरे का कुछ भी बोल के चले जाओगे. और कुछ नहीं है. और उसके बाद ये गंदी गंदी गालियां जो लिखते हो ना यार, तुम अपने या तो असली बेस से लिख लो या तो लिखो ही मत. इतना टाइम निकाल के स्पेशल तुम इतना बड़ा मैसेज दे, मतलब इतनी हेटरेड है तुम्हें लोगों के लिए. इतने तुम लाइफ में इतने वेले हो, तुम्हारी खुद की इतनी फ्रस्ट्रेशन है कि तुम लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे, तो तुम लोगों को गालियां लिखो. थैंक्स बब्बा यार. हाँ हाँ, डिग्निटी फॉर लाइफ करो भाई. शिप जिसको करना है करो, मेरे को कोई लेना देना नहीं है. बट स्टॉप कमेंटिंग ऑन मी कि मैं बीच में घुस रही हूँ. मुझे कोई लेना देना नहीं है, सिंपल सीधी बात. और रही बात ये चीटिंग चीटिंग का जो तुम नारा लगा रहे हो ना, पहली बात मैं एक फिर से लास्ट बार क्लियर कर रही हूँ ये चीज. जो तुमने पूरा टैग लगा दिया, मतलब कहीं भी मेरी तारीफ कर रही होगी ना, तुम्हारे फैंस आगे आ जाएंगे नीचे कॉमेंट करने. बट शी चीटेड फर्स्ट. तुम्हें पता है मैंने चीट किया नहीं किया? कहाँ बोला दिग्विजय ने कि मैंने उस पर चीट किया है, या मैंने बोला कि मैंने उस पर चीट किया है? कोई भी कॉन्वर्जेशन में चीटिंग वर्ड था, तुम पहले एपिसोड से देख लो. उसने चल ये बात नहीं, मैं बोलना चाहूंगी द वे ही, मतलब उसने चॉइस ऑफ वर्ड्स गलत बोली. मेरा कोई चक्कर नहीं चल रहा था पहली बात. द टाइम वी स्टार्टेड सीइंग ईच अदर, वी यूज टू लाइक ईच अदर, बट समहाउ आई वॉज नॉट इन टू हिम इतना ज्यादा. और मुझे नहीं पता था कि वो मेरे लिए इतना ज्यादा सीरियस है. At that point of time, I met someone just once. Met someone once. कुछ नहीं था, कोई चक्कर नहीं चल रहा था. And once I realized कि Digvijay is the guy I should settle for. जब मुझे realize हुआ कि मैं भी उसके लिए feel करती हूँ, जब मैंने commit किया, उसके बाद से कभी भी आज तक एक बंदा नहीं आया मेरी life में, ठीक है? और ना मैं किसी बंदे के साथ connected हुई या कुछ भी है. उसको बाद में जब ये पता लगा कि आई मेट समवन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ही फेल्ट बैड अबाउट इट एंड आई अपोलोजाइज. ये बात हुई थी सिर्फ, कोई चीटिंग वीटिंग नहीं हुई थी कि मैंने पता नहीं कितने लड़के घुमा दिए हो, या आई वॉज सीइंग अदर पीपल, आई चीटेड ऑन हिम, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था. बार बार ये चीटिंग का टैग ना लगाना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारा कुछ नहीं मिलता तो तुम एक ही पॉइंट उठा के बोल देते हो. कुछ नहीं हुआ था ऐसा. उसके बाद भी थिंक, उसके बाद जब उसको चीज का बुरा भी लगा ना, तो उसके बाद चीजें कंटिन्यू हुई है. एक्चुअल रिलेशनशिप हमारा उस चीज के बाद शुरू हुआ है. वी वेंट ऑन ट्रिप्स, वी वेंट ऑन डेट्स, वी वेंट यूज़ टू स्पेंड टाइम टुगेदर, बर्थडे एक साथ मना रहे हैं. वो मेरे लिए अगर वो बोल रहा है क्लियरली इतनी स्टैंड लेके कि 4 साल पहले मैंने क्लियर कर दी थी. अगर क्लियर करना किसे कहते हैं पहले तो मुझे बताओ. क्लियर करना मतलब खत्म चीज है. बट दिन नेवर एंडेड. उसके बाद कोविड में वो स्पेशल मेरे लिए वीडियोस बना रहा है, मेरे लिए स्केच बना रहा है, हम ट्रिप्स पे जा रहे हैं. ये बंदा किसके लिए करता है? जिसके लिए आपको फीलिंग्स होगी? कोई अपने नॉर्मल फ्रेंड के लिए कर देगा ये सब चीजें? करी है उसने मेरे लिए चीजें, तभी आई वाज आल्सो इनटू हिम और मैं अटैच थी, तभी मेरे ऐसे रिएक्शन निकल रहे थे. और 4-5 साल तक हमारा ऑन ऑफ यही चलता रहा, क्योंकि हमारा कभी क्लोजर नहीं हुआ, हमारी चीजें कभी खत्म ही नहीं हुई ढंग से. दैट इज द रीजन आई वॉज रिएक्टिंग. ऐसा नहीं था कि 4 साल पहले चीजें खत्म हो गई थी तो मैं इसलिए ये रिएक्शन कर रही थी. फर्क पड़ रहा था भाई, मेरा जेन्युइन रियल बॉयफ्रेंड उठा के लेके आए थे, कोई ऐसे ही नहीं लेके आ गए थे, इसलिए मेरे रिएक्शन निकल रहे थे. तुम मेरी जगह पे होते ना, तुम तो लोगों का सर फोड़ देते. फिर भी मैंने अपनी स्पेशल अपना काम डाउन करा और नहीं बोली चीजें. तब भी आई यूज टू नॉट क्राई इन फ्रंट ऑफ कैमरा. एक बार पूरे शो में आकर तुम्हारे मेरे आंसू टपकते हुए दिख रहे हैं ना, वो ये डोम में है बस. उससे पहले मैंने कभी अपने आंसू नहीं दिखाया, मैंने एक आंसू नहीं टपकाया शो में आके, जस्ट बिकॉज आई डिडंट वांट टू गेन एनी सिंपैथी या ऐसा कुछ. मुझे नहीं दिखाना था. जो तुम बोलते रहते हो ना सिंपैथी दिखाती है, मेरे को लेने होते ना फॉलोवर्स, ने कब के सिंपैथी के फॉलोवर्स ले चुकी होती है. डेली मेरे पे एक एडिट बनते हैं, ये सारे बनते हैं, तुमने खुद देखा है एकदम से ये डोम के इतने सारे एडिट्स बन गए. मैं नहीं शेयर करती, क्यों? मुझे नहीं लेनी सिंपैथी भाई इस चीज की. मुझे नहीं ऐसा हेट फैलाना कि मैं अपने आपको इतना बेचारी दिखाऊं और दूसरे बंदे को ऐसा हेट दे. जो था शो में हो गया, मैं नहीं कभी कुछ आगे फालतू डालती ये सब. तो तुमको भी थोड़ा समझ आना चाहिए. जस्ट बिकॉज यू हैव, मतलब तुम्हें कोई बंदा पसंद है, इसका मतलब नहीं है कि तुम दूसरे को नीचा गिराते रहोगे और उसको कुछ ना कुछ बोल के आते रहोगे. बार बार तुम्हें आगे लिख देते बीच में मत घुसो भाई. आई एम ट्राइंग, मैं मूव ऑन ही कर रही हूं ना. मैं भी मूव ऑन करने आई थी. मेरे लिए कितना डिफिकल्ट था जिस बंदे से मूव ऑन करना था, वही बंदा मेरे सामने है. तुम कर लोगे ऐसे बंदे से मूव ऑन कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड आगे खड़ा कर दे? इवन मैटर ऑफ फैक्ट उन्नति खुद बोलती थी कि मैं तो अपने एक्स को मना करके आई हूँ,
कि मत आना शो में, खुद बोल रही थी कि अगर मेरा एक्स आ जाता तो मैं तो पता नहीं क्या क्या कर देती। तो जब तुम्हें पता है तुम क्या क्या कर देती, तो फिर मेरी सिचुएशन भी देखो ना, मैंने तो क्या क्या ही किया है। ठीक है देखिए, उस तो मतलब एक हद तक उसने भी मेरी बातें समझी है, तो बट तुम ये भी दिखाओ मैंने भी तुम्हारी सिचुएशन समझी है। तुम सिर्फ अपना अपना अच्छा मत बताओ, दूसरे ने भी अगर तुम्हारे लिए कुछ अच्छा किया तो तुम वो भी बताओ यार। बट यू आर जेलस ऑफ उन्नति, कैन सी विद योर रिएक्शन। किस बात की जेलसी, किस बात की? मेरे को कोई दिक्कत नहीं है भाई, अगर कनेक्शन बना लिया, मेरे को शो में दिक्कत नहीं थी, मुझे बाहर आके क्यों जेलसी होगी? तुम लोगों ने शुरू किया, वो लोग मेरे बारे में बोल रहे थे बातें भाई व्लॉग में, कि उसने एक्टिंग की, कितना तो ऑब्सेस्ड हूँ आफ्टर नोइंग एवरीथिंग व्हाट हैपेंड इन द शो। तुझे मेरी हिस्ट्री पता है, तुझे सब पता लग गया, उसके बाद भी तू ऐसे रिएक्ट कर रही कि तू ऑब्सेस्ड है, तो तुम पोर्ट्रे करते हो यार, तुम नरेटिव सेट करते हो मेरे लिए। तो मैं नहीं बोलूंगी आगे से, मैं तुम्हें छेड़ भी नहीं रही, मैं कुछ बोल ही नहीं रही तुम्हारे, तुम खुद आके पंगे ले रहे हो। तो तुम इश्ता बोले भी ना कुछ, वो बंद करके बैठ जाए। मतलब इशिता जब तक चुप है तो वो अच्छी है, वो सपोर्ट कर रही है तुम्हें तो अच्छी है, बट जब इशिता बोले तुम्हारे अगेंस्ट तो वो बुरी है भाई, वो तो हमें नीचा दिखाना चाहती है, वो तो ये करना चाहती है। मुझे अभी भी कोई लेना देना नहीं है, ना मुझे उनके लिए हेट है। मैं अभी भी ये कहना चाहूंगी कि स्टॉप कंपेयरिंग, उसे भी बोलना बंद करो कि इशिता ऐसी है, इशिता वी शुड बी टुगेदर। अबे नहीं है हम, हमें नहीं होना साथ में, हम नहीं है। जो साथ में उसको शिप करो, जो अच्छा लग रहा है उसके लिए अच्छा बोलो, जाके कॉमेंट मत करो एक दूसरे के लिए। वॉट इज दिस विद कंपेरिजन? आई डोंट लाइक बींग कम्पेयर टू एनी वन। ना कि उसको अच्छा लगता होगा कि वो किसी से कंपेयर हो, तो मैं कंपेयर करना क्यों? मैं आधी से ज्यादा हेट तो ये फैन बेसिस फैला देते हैं एक दूसरे पे जाके कमेंट करके और हमारी लड़ाई अंदर आके। हम जब एक दूसरे के लिए कुछ नहीं कह रहे तो जस्ट लीव इट टू दैट। हम तीनों ने मेंटेन रखी है वो रिस्पेक्ट, लेट इट बी, तो तुम उसको मेंटेन रहने दो। तुम ये कॉमेंट्स जो भी ये लिखते हो, सारा कुछ डाल रहे हो, गालियां गलोच, तुम्हारी वजह से दूसरा बंदा गलत दिखता है यार। गाइस जी छोड़ो यार, जो बोलना था मैंने बोल दिया, मैंने अपना फैक्ट पॉइंट्स रख दिए हैं, ठीक है, कि मेरा क्या पूरी कॉन्वर्जेशन थी, मैंने क्यों बोली ये बात, क्यों ऐसा सिचुएशन आ गई कि मुझे ये बोलनी पड़ी। जब तक मुंह बंद रखना था मैंने मुंह बंद रखा ही है भाई, मैंने नहीं आके किसी की पोली उली बेफिजूल की। और अभी भी मैंने बहुत ऐसी बातें मैं नहीं बोल रही हूँ या मैं बोलूंगी, मैं नहीं, मुझे नहीं बोलना क्योंकि मुझे नहीं पढ़ना उनके बीच में कि उनकी क्या स्टोरी थी, वो है साथ नहीं है, मुझे नहीं कमेंट करना बाहर की चीज़ों पे। मैं शो के रिलेटेड ही बोल रही हूँ, जो शो में हुआ है और मैंने क्यों रिएक्ट किया, कैसे किया। मेरे बारे में कुछ बोलोगे तो मैं उसका जवाब देने आऊंगी, बात सिंपल सी इतनी है। एंड जो भी लोग यहाँ पे सपोर्ट करने आए थे, जिसने भी अच्छा लिखा, थैंक यू सो मच, आई एम रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू यू गाइज। जितना आप प्यार दिखा रहे हो और इतने, मतलब मुझे बहुत अच्छे मैसेज आते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब पता नहीं बाकी वो ऐसे आते हैं नहीं आते, बट आई लिजिट गेट दिस बिग बिग पैराज की वी रियली वॉन्ट यू टू ग्रो, वी रियली वॉन्ट यू टू सी शाइनिंग, ये सब, मतलब सब कुछ कि तुम मोटिवेट करो, तुम ऐसा कुछ डालो, मुझे तुम इतनी गाइडेंस देती, तुम ऐसा करो दी, हम आपको ये देखना चाहते हैं, हम आपसे इतना रिलेट करते हैं, यू आर एक्चुअली दिस काइंड ऑफ अ पर्सन। मुझे आई एम ग्लैड कि उसमें से अगर 100 मैसेजेस हैं ना तो 70-80 लड़कियों के, एंड आई फील गुड अबाउट इट। इवन माई ऑडियंस फ्रॉम फॉलोवर्स इज लाइक 66% लड़कियाँ हैं, एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट कि मेरे को गर्ल्स इतना ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। दैट इज़ द बिगेस्ट विन फॉर मी। इवन इफ आई एम नॉट गेनिंग 200-300 के फॉलोवर्स, कोई दिक्कत नहीं है भाई, चाहे स्लो है जैसा है, बट जो भी आ रहे हैं मुझे पसंद करके आ रहे हैं, दैट इज़ वॉट इज़ एन अचीवमेंट फॉर मी। नॉट, मतलब पहला रियलिटी शो, नॉट बीइंग फ्रॉम सच बैकग्राउंड, स्टिल ट्राइंग टू कीप माई पॉइंट, और इतना दिखना या जितना भी दिखना, स्टिल उतने प्रेजेंट से मुझे इतना प्यार मिला है। आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू यू गाइज। आई विश आई कुड हैव स्पोकन लाइक बहुत ज़्यादा और बोला होता, ज़्यादा स्क्रीन टाइम लिया होता, बट नहीं था इतना नॉलेज, नहीं था इतना कॉन्फिडेंस, बट स्टिल आई ट्राइड, एंड उसमें भी मुझे इतना प्यार मिला था। आई एम सीरियसली ग्रेटफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, थैंक यू। बाकी तुम्हें कुछ पूछना था यार पूछ लो, बहुत ज़्यादा बोल दिया लगता है। बाकी गाइज आई जस्ट वॉन्ट टू से कि शो में जिसकी भी अभी लड़ाई हो रही है, किसी की भी, मैटर ऑफ फैक्ट की, उन्नति की, दिकिला की, या फिर नायरा की हो रही है इनसे, या फिर दिग्विजय शिवित की हो रही है, या फिर किसी की भी, हर्ष आकृति, किसी की भी हो रही है यार, हम ना एक महीने के बाद शायद सुलह भी कर लेंगे। महीने के बाद के 2 दिन में अगर फेस टू फेस भी खड़ा कर दो ना, तब भी कोई किसी को मारने को नहीं दौड़ेगा। एवरी वन विल बी
परफेक्टली फाइन विद ईच अदर. तो तुम लोग जो ये कमेंट सेक्शन भर देते हो ना, ये रेप थ्रेड्स, ये एसिड अटैक्स, ये सब, तुम कोई फायदा नहीं है लिखने का. तुम्हें खुशी मिलती होगी बट तुम देख दूसरे बंदे की क्या मेंटल स्ट्रेस पा रहे हो. तुम्हें समझ आ रही है वो चीज? मतलब लाइफ में कुछ कर लो रैदर देन हेट फैलाने से अच्छा. तुम लोगों को इतना इतना गंदा गंदा चीज लिख रहे हो, तुम्हें क्या मिल रहा है भाई? जिस बंदे के साथ लड़ाई है ना, वो कल को गले मिलके मिल रहे होंगे. बट तुम लोग यहाँ पागलों की तरह जस्ट बिकॉज तुम्हें अपने आइडल बहुत पसंद है, दूसरे बंदे को गाली देने चल जाते हो. मत करो यार, जिससे प्यार करना है उसको अच्छा अच्छा लिखो, जो नहीं पसंद अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दो, पर ये गाली गलौज मत करो यार. और यही सही में कि, और सबसे ज्यादा गंदा ये लगता है कि ये जो बंदे जो लिख रहे हैं वो सच में 13-14 साल के बच्चे हैं. जस्ट थिंक अबाउट दैट कि 13-14 साल के बच्चे ये सब लिख रहे हैं, कि उनकी थिंकिंग क्या हो गई है एंड क्या वो मैसेजेस कर रहे हैं. एंड आई जस्ट, ये ना सबके लिए है जिसका भी बहुत बड़ा फैन बेस है, सबके लिए ये रिक्वेस्ट है. तुम जो मर्जी बोल लो यार, बाद में आके तुम बोल देते हो ना सारे लोग कि हेड मत फैलाना. भाई ऐसे नहीं चलता. या तो तुम सोच समझ कर अपनी लाइफ में बोला करो, ताकि दूसरा बंदा ऐसा ना ट्रिगर हो कि वो तुम्हारे दूसरे बंदे को गाली दे रहा है. ढंग से क्लियर पॉइंट रखा करो, ये मत आके लिखा करो बाद में कि सब कुछ बोल दिया है, सुना दिया है, गुस्सा कर दिया, फिर बोलो जाके कि भाई उसको हेट मत देना. कोई नहीं सुनने वाला, तुम खुद अपने मुंह से बकवास मार रहे हो, तो वो बंदा तुम्हारा जो तुम बोल रहे हो वो भी वही सोच के यही लिखेगा. सो जस्ट थिंक अबाउट व्हाट यू स्पीक, ताकि दूसरा बंदा तुमसे क्या सीख रहा है, वो क्या लिख रहा है जाके. ठीक है, तो ये बोलना बंद कर दो कि भाई हम बाद में बोलते हैं कि हेट मत दो वो दो. तुम्हें सबको पता है, सबको सब पता है किसको कितना हेट मिलता है, कितना तुम लोग जनरेट करवाते हो हेट, कितना तुम्हारे को पता है कि लोग कितना क्या क्या लिखेंगे तुम्हारे वर्ड से, तुम कैसे पोर्ट्रे करोगे तो कैसे हेट जाएगा, सबको सब पता है. बट दे स्टिल चूज कि फिर भी वो ये सब कदम उठाते हैं कि दूसरे बंदे को हेट मिलने दो, तुम्हें मजा आ रहा है, और फिर बाद में अच्छा आ जाओ बन के कि हेट मत देना. ऐसे नहीं काम करते. या तो तुम मुंह बंद करके ऐसी बकवास मत मारा करोगे तुम्हारे फैंस जाके. जब तुम्हें पता है तुम्हारे फैंस इतने टॉक्सिक हैं, तो प्लीज सोच समझ के चीजें बोला करो, सोच समझ के चीजें करा करो, क्योंकि तुम्हारे फैंस आके दूसरे बंदे का जीना मुश्किल कर देते हैं. एंड ये एक शो है, कल अगले महीने तक चलेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा ना, नया शो आएगा, नए फैंस बन जाएंगे. बट चीजें तुम जो अभी भी लिख रहे हो वो स्टक रह जाती है बंदों के माइंड में. ये चीज थोड़ा सोच समझ के करा करो, और फैंस भी थोड़ी यार थोड़ा मतलब अच्छे से ठीक चीजें लिखा करो यार, कि दूसरे बंदा मोटिवेट हो एटलीस्ट. ये सब बकवास लिख के तुम्हें भी कुछ नहीं मिलने वाला. अगर आज तुम गाली दे रहे हो ना, तुम्हारे साथ भी तुम्हें तो कोई अगला दिन तुम्हें गाली दे रहा होगा. इट्स ऑल अबाउट कर्मा. जितना गलत करोगे ना, तुम्हारे को भी उतना गलत मिलेगा. तुम किसी को दुख पहुंचा के कभी खुश नहीं रह पाओगे. मार्क माय वर्ड्स, दिस इज द रियलिटी. दूसरे का दिल दुखा के तुम कभी खुश नहीं रहोगे. एंड स्टॉप ब्लेमिंग नायरा ऑल्सो यार, हर चीज के लिए. मतलब एक, हाँ एक बात मैं लास्ट बोल देती हूँ, जो लोग ये लिख रहे हैं बोल रहे हैं कि गर्ल्स गर्ल्स की नहीं है, नायरा नायरा ने बाद में क्यों बोला, नायरा ने पहले क्यों नहीं बोला, नायरा ये नायरा वो. लोग ये फोकस नहीं कर रहे हैं कि नायरा ने जो बोला है वो सही है या गलत है. लोग ये फोकस कर रहे हैं कि नायरा ने अब क्यों बोला. मतलब टॉपिक क्या चल रहा है? तुम ये दिखाना चाह रहे हो कि नायरा ने पहले क्यों नहीं बोला, या तुम इस पे फोकस करना चाहते हो कि नायरा सच बोल रही है झूठ बोल रही है? इस पे मेन फोकस करो ना कि वो सच है कि झूठ है, अगर वो कुछ भी बोल रही है अभी. और जब उसने बोल दिया कि उसने दिग्विजय को पहले दिन ही बता दिया था या कुछ दिन पहले बता दिया था, तो फिर क्या पॉइंट है कि ये बार बार बोलना है? बाकी तुम लोग यार समझदार हो, थोड़े समझदार बन जाओ लाइफ में, थोड़ा कुछ अच्छा कर लो रैदर नहीं. मतलब मुझे ठीक है भाई, जो भी है हम तुम्हारे बदौलत है, कुछ भी है, बट जस्ट मेक श्योर अगर आप किसी के फैन हो तो आप उनको भी पोर्ट्रे कर रहे हो अपने कॉमेंट्स से. ठीक है, तुम उनको रिप्रेजेंट कर रहे हो तो तुम अच्छा अच्छा लिखो, ताकि तुम्हें भी लोग अच्छा अच्छा बोले. नो वन वुड वांट कि उनके फैंस को टॉक्सिक है बोला जाए या कुछ भी बोला जाए. मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद. मेरे फैंस अगर मुझे मैसेज करते हैं, मैं तो अगर कुछ स्टोरी भी डाल देते तो उनसे डिलीट करवा देती हूँ कि ये वर्ड तक नहीं लिखना है, क्योंकि मैं खुद नहीं प्रेफर करती किसी के लिए हेट फैलाना. तो मैं अपने जिनसे भी बातचीत होती है उनको भी बोलती हूँ कि नहीं बोलना कुछ भी. मुझे बोलना होगा मैं बोलूंगी, तुम लोग किसी के लिए हेट नहीं फैलाओगे. भाई मैंने पूरे उसमें सही ही बोला है, तू जब जो लेना ले लो, कि मैंने किसके बारे में क्या गंदा बोला है क्या बोला है,
मुझे बस इसी चीज का गुस्सा आता है जब तुम आधी अधूरी बातें बोल के चले जाते हो और पोट्रे कर के चले जाते हो. सिंपल इज दैट. किसी को क्वेश्चन है तो बोल लो. अरे तुम खुद, ये क्या हो गया? हाय डॉक्टर, ओपन योर ब्रॉड. गाइस मेरा ब्रॉडकास्ट अभी ऑप्शन मुझे नहीं आया. सो सॉरी मेरा ब्रॉडकास्ट नहीं बन रहा है. अभी आएगा तो आई श्योरली मेक इट. नायरा को उन्नति ने बता दिया तो वाई नायरा को उड़ को बताया. नायरा ने बोला ही क्यों. नायरा ने बोला क्यों यार, मैंने जितना एपिसोड देखा ना तो शी वॉज लाइक कि मैं बोलूँ बिकॉज शी मतलब कुछ उसने जशवंत के बारे में कुछ बोला इसीलिए शी टोल की मैं बोलूँ क्योंकि उन्नति वो कर रही थी किसी वर्ड से कि उसने नहीं बोला ये चीज़. चलो ठीक है यार, वो उनकी भी लड़ाई है, वो खुद देख लेंगे. आई एम जस्ट सेइंग कि किसी को इतना हेट मत दो यार. मतलब अगर वो कुछ बोल रही है, कुछ भी कर रही है, मैं जस्ट पॉइंट क्लियर करूँ जितना मुझे पता है कि दिग्विजय को पता थी वो चीज़ें पहले से भी. अगर तुम ये बोल रही हो कि उसने दिग्विजय को पहले क्यों नहीं बताया, बट उसको पता था वो चीज़. यू नो, थैंक यू. हाय सुमायरा, प्लीज टेक माय नेम. हाय रूही, ये बोला तो आ गया लव फ्रॉम हिज फैंस. थैंक यू सो मच. मतलब यार मेरे को ये भी बोलना है कि काफ़ी लोगों की ना बहुत गलत परसेप्शन जा रही है एंड लोग ना गुस्से में शायद बहुत कुछ गलत कर जाते हैं. बट थोड़ा इजी रहो यार, थोड़ा इजी रहो. बीट आकृति, बीट शिविर, बीट हर्ष, बीट रुशाली, बीट शुभी, बीट मी, बीट उन्नति, बीट नायरा, जिसको भी मतलब कशिश, जिनको भी इतना गंदा हेड मिल रहा है यार, थोड़ा सा ना तो मतलब ठीक है. मैं समझ गई, तो मैं जितना बोल दूंगी तुम कोई चुप नहीं हो जाओगे, कुछ नहीं होने वाले हो जाओगे, बट यार थोड़ा ना सोच समझ के लिखा करो कि दूसरे बंदे का मेंटल हेल्थ पे इतना इफेक्ट ना पड़ जाए. एंड स्टॉप कंपेयरिंग. ये 3 ट्राइंगल वाले में तो तुम कंपेयर करना बंद कर दो भाई. उन्नति खुश है अपनी जिंदगी में, मैं अपनी जिंदगी में अच्छा कर रही हूँ, दिग्विजय अपनी जिंदगी में खुश है. तीनों को अलग अलग जीने दो. मत करो ये कंपेयर कि कौन किसी का सही लगता था, कौन किसी का बुरा लगता था, कौन किसी का क्या था. जब हम तीनों ने अपनी अपनी चीजें कर ली है तो तुम भी मत लिखो ये चीजें या किसी के लिए बोलो कि कौन किसी का क्या कैसा किसा दिखता था. एक शो है, शो के बाद तीसरा कोई कूपन तुम्हें मिल जाएगा भाई अगले साल मिलने के लिए. बट फिर भी मत बोलो ये सब चीजें. कंपेयर मत करो यार किसी को भी.